और यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत खास लगती है, वो ये है कि हर एक बीच पर आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। जैसे आप वहाँ कोने में देख सकते हो, वहाँ वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो बीच पर जाकर मजे करो, नहाओ धो मस्त एकदम, तैराकी करने के बाद अगर आप स्नान करके घर जा सकते हो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है वियतनाम के एक बहुत ही खूबसूरत टाउन वेलकम टू नहा तरंग में, जहाँ पर ये बिल्डिंग देखने के लिए हम आए थे, पैदल पैदल पहुँच गए। ये देखो भाई साहब वियतनाम का साइकिलिंग करना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बट ठीक है। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनकी ड्रेसेस हैं जो यहाँ पहनती हैं। हेलो हाय, Your dress is beautiful. Your dress, nice. Thank you. Most welcome. और यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं भाई वर्कआउट के लिए, मैं देख रहा हूँ सब लोग साइकिलिंग, रनिंग, बैडमिंटन सारे गेम्स खेल रहे हैं बीच के सारे सारे। ये भाई चाइनीज लोग हैं जो चाइना से हैं। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। तो भाई सामने बोर्ड पर आप देख रहे हो पैदल जाना, साइकिल से और बाइक कुछ भी अलाउ नहीं है, यानी इससे आगे भाई थोड़ा सा आगे से टनल आ जाएगी 1 किलोमीटर बाद, साइकिल वालों को इस तरफ जाना होगा। और ये सामने 2 टनल आ गई है जाने की, इधर से आने की, इंडिया से उल्टा ना कि इधर से उधर वाला सिस्टम। बाकी इस टनल का नाम है कोमा टनल, हाम कोमा। ये बहुत खड़ी चढ़ाई है, वो हाईवे थे वो भी खड़े थे, बट ये भी खतरनाक है भाई साहब। देखो पीछे नज़ारे, ये देखो। मुझे अचानक से एक बात याद आ गई कि मैंने सुना है कि कभी कभी जिन पैदा हो जाता है, और अगर आज जिन पैदा हो जाए और मुझे जिन मुझसे पूछे कि बोल वत्स क्या खाना खाना चाहेगा आज तू, तो भाई मेरे मुंह से सबसे पहले तो एक चीज़ निकलेगी, चूरमा। भाई इतनी याद आ रखी है मेरे को चूरमा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं वियतनाम के एक नहा तरंग नाम की जगह पर हूँ। नहा तरंग एक वियतनाम का एक ऐसा टाउन है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कल रात को मैं यहाँ पहुँच गया था और उसके बाद यहाँ रेस्ट किया, सुबह सोचा कि चलो राइड स्टार्ट करूँगा, लेकिन बहुत तेज़ बारिश ने हमारा जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। लगभग अभी तक बारिश हो रही थी, अभी 3 बज गए हैं और इस तरफ देखो कि बारिश का मौसम है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि चलो आज मैं यहीं रुकता हूँ, आज मैं आगे नहीं जाऊँगा, और यहाँ पर मैं रेस्ट कर रहा था, किचन था यहाँ, अभी खाना पीना खा लिया मैंने, बहुत अच्छा खाना बनाया भैया ने। फाइनली दोस्तों रेडी हो गया हूँ, आज कुछ ऐसे कपड़े पहने, और एक चीज़ आपको बताता हूँ सीक्रेट, आज मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि मेरे बिल्कुल नहाने की इच्छा नहीं थी, हल्की हल्की ठंड बढ़ी हुई है, तो सोचा कि चलो आकर नहा लूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी भी 4:01 हो गई है, तो मैंने अपनी जो पानी की बोतल है उसमें पानी फिक्स कर लिया है, एक छोटा सा पीछे बैकपैक है जिसके अंदर हमारे पावर बैंक हो गए, कुछ खाने की चीज़ें। तो मैं इस बेड पर सोया था यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी दुकान है उस चीज़ों की जो अपने वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ना, जो शिप वगैरह होती हैं, जो भी स्कूटर वगैरह होते हैं जिससे लोग पानी में खेलते हैं, उन सब की है। तो यहाँ इतने सारे पार्ट्स रखे हुए, देखो मैं पहली बार लाइफ में किसी ऐसी दुकान में आया हूँ जहाँ पर इनका काम किया जाता है। भैया वाकई में बहुत मेहनती हैं यार, मानना पड़ेगा। ये देखो पूरा दुकान एकदम फुल है, और यहाँ हमारी डीलर ने सारा सामान मैंने निकाल कर वहाँ रख दिया है। तो अब मैं अपने फेवरेट जूते पहनता हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं हमारे जो आज 5 से 6 जगह कवर करनी है वहाँ के लिए। यहाँ पर ये देखो मोटर्स वगैरह कितनी बड़े बड़े हैं, इंजन लग रहे हैं मेरे को उनके, बहुत ही बड़े बड़े भारी भरकम पार्ट्स रखे हुए हैं अंदर, मैंने पहली बार देखे इतने बड़े, तो मैंने गाड़ियों और बाइक के उसमें भी नहीं देखा जितने इसके पार्ट्स हैं, फुल फर्क है। और जैसे ही बाहर निकलेंगे, बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाला, और धूप निकल आई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। शाम के कुछ 3-4 घंटे वो दिलचस्प होने वाले मेरे लिए, क्योंकि अब मैं राइड स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कुछ मॉन्यूमेंट्स के लिए, और शायद मैंने जैकेट गलत पहन ली, गर्मी भी लगने वाली है। पहली जो जगह जा रहा हूँ उस जगह का नाम है थाप ट्राम हुआंग। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जगहों के नाम भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हम समझ नहीं पाते, अगर आपने एक भी वर्ड गलत लिखा तो आप दूसरी लोकेशन पे पहुँच जाओगे। तो भाई ये एक बिल्डिंग है और टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा केंद्र है समुद्र के किनारे, और ये दिखने में कैसी है, ऑरेंज कलर की है और पूरी लोटस जैसी है, तो आज हम ये देखने के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, तो चलिए इस तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें जाना है सिर्फ 550 मीटर, वहाँ से लेफ्ट मारते ही फिर सीधा पहुँच जाएंगे, और धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है, तो इसका मतलब ये था कि अपन राइड आगे बढ़ा सकते थे, बट ठीक है कोई नहीं, कल सुबह तो निकलूँगा 100%, चाहे बारिश हो या ना हो। आज का जो स्टे था वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं स्टे करूँगा। 500 मीटर ही चला था भाई, राइट साइड में इतना सुंदर बीच आ गया, मुझे पता ही नहीं था, गूगल पे तो दिखाई नहीं रहा था, ये मैंने सर्च किया था नियरेस्ट बीच, वो काफ़ी दूर दिखा रहा था। बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरे बालों से, और उड़ती हुई मेरी जैकेट एहसास करवा रही होगी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। समुद्र के किनारे आ गए हूँ, आवाज़ पता नहीं आ रही या नहीं आ रही है। वहाँ सामने आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, हॉन्ट्री आइलैंड करके है, और विन पियरल लिखा हुआ है। वो जगह मुझे गूगल पे से हो रही थी कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कास्टल टाइप से बना और घूमने की जगह, बारिश आगे कहीं जाता हूँ पहले। और यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत खास लगती है, वो ये है कि हर एक बीच पर आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। जैसे आप वहाँ कोने में देख सकते हो, वहाँ वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो बीच पर जाकर मजे करो, नहाओ धो मस्त एकदम, तैराकी करने के बाद अगर आप स्नान करके घर जा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी वियतनाम की, हर एक बीच पर मैंने नोटिस किया है। हालांकि आपको कुछ
कुछ कुछ जगह पर पे करना पड़ता है, कुछ जगह पर गवर्नमेंट होते हैं। तो भाई यहाँ से मैं सामने रोड आ गई, यहाँ से मुझे इस तरफ जाना है और ये दिख गया इसलिए मैं आ गया। बारिश वापस चली गई है बट गर्मी लगने लगी, इसको निकाल दूंगा थोड़ी देर में। बट अभी पहुँचता हूँ उस खूबसूरत सी बिल्डिंग के बाद, हमें आज 4 से 5 जगह कवर करनी है। तो चलिए अभी मैं घूमने फिरने के बाद जाऊँगा लेट ही घर पर वापस, क्योंकि जल्दी जाकर क्या करूँगा। इलाके में लहरें देखो कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, यहाँ पर वार्निंग दे रखी है, वहाँ बैनर लगा रखा है कि यहाँ तैरना मना, देखो बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं भाई। इस तरफ कुछ कैफे वगैरह हैं जहाँ पर लोग अपना बियर वियर पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और यहाँ ऐसा कुछ नज़ारा है। यहाँ से हम सीधा आगे की तरफ जा रहे हैं पैदल पैदल, और स्वाद आ गया यार, मुझे पता नहीं था इतनी सही जगह है, नहीं तो मैं सुबह ही आ जाता इधर घूमने फिरने के लिए। बट ठीक है, अब भी अच्छा लग रहा है, बाकी हवा बहुत तेज़ है। सामने देखो भाई यहाँ पर लहरों की रफ्तार कुछ और ज़्यादा तेज़ है, देखो कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं ना सारे उधर से उठ के इधर आ गए हैं। और मैं जिस लोकेशन पे जा रहा था वहाँ मैं पैदल ही पहुँच गया, साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ी। सामने आ गया वो जो लोटस टाइप की एक बिल्डिंग बता रहा था। दोस्तों आप सभी का स्वागत है वियतनाम के एक बहुत ही खूबसूरत टाउन वेलकम टू नाहा तरंग में, जहाँ पर ये बिल्डिंग देखने के लिए हम आए थे, पैदल पैदल पहुँच गए। गूगल पर हमने देखा तो इसकी हिस्ट्री तो कुछ पता नहीं चली, बस ये एक बिल्डिंग है, दिखने में लोटस जैसी है और खूबसूरत है बहुत सारी, और यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू नाहा तरंग, और यहाँ हमारी लीलन भी आ गई है, पीछे समुद्र का नज़ारा है। तो अब मैं यहाँ से हूँ, कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल है, एक चर्च है और एक हिंदू टेम्पल है वो देखने के लिए। इसका नाम है थाप ट्राम होवोन, और ये 2004 में बननी स्टार्ट हुई, 2008 में बनकर तैयार हो गई थी, और इसके बारे में बता रखा बस ये एक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, म्यूजियम टाइप से है। 2008 में इसको खोल दिया था टूरिस्ट के लिए, और उसके बाद से इसमें टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं। मल्टीपल कलर बताया, टाइम टाइम पे चेंज होता रहता होगा, पहले ऑरेंज था, अभी थोड़ा सा देख लो उदयपुर जैसा लग रहा है, वाइट वाइट सा, बाकी सुंदर है। और यहाँ से बारिश की बूंदें फिर आ गई हैं, यहाँ का एरिया बहुत ही खूबसूरत है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ में काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। दोस्तों अब अपनी जो लीलन है वो निकल पड़ी है, नहा थुआई नाई करके एक चर्च है उसकी तरफ। सो वो काफ़ी अच्छी दिखा रखी थी यहाँ गूगल पर, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैं चलो देख लेते हैं जाके भाई चर्च। और यहाँ भाई इतना सही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, देखो मेरे लेफ्ट साइड में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, सामने रेड लाइट होगी तो ब्रेक मारना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे जाएंगे और उसके बाद एक जाएंगे बुद्धिस्ट टेम्पल। वियतनाम के इस ट्रैफिक में साइकिलिंग करने में भी अपना ही मज़ा है भाई साहब, सब लोग इतने परफेक्ट हैं यहाँ पर इन स्कूटर को चलाने में, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा कोई ख्याल नहीं करता किसी चीज़ का, और बाकी इतना सुंदर सजा रखा है पूरे वियतनाम को। आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग कभी आओ ना यहाँ पर तो आना फरवरी के महीने में, क्योंकि इस टाइम पर इनका टेट फेस्टिवल होता है, काइंड ऑफ न्यू ईयर समझ लो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लोनार न्यू ईयर बोलते हैं लोग शायद, गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट मैंने जहाँ तक समझा उस टाइम पर पूरा वियतनाम बहुत खूबसूरत और सब लोग मिलते हैं अपने होली की तरह होता है, होली पर जिस तरीके से हम होली का दहन करते हैं यहाँ पर टेट में हर घर के सामने होली बनाते हैं और वो दहन होती है। तो भाई ये नज़ारा है यहाँ का, और हम पहुँच गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो 1.4 किलोमीटर थी। तो चलिए बाकी यहाँ के सर्कल वगैरह सारे खतरनाक लग रहे हैं, यहाँ पर मौसम काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, कभी बारिश कभी कुछ, इसी टाउन में हो रहा है, मैंने आगे वाले की चेक की, मगर पूरे वियतनाम में यही हाल है क्या? तो नहीं था भाई, आगे लेफ्ट साइड में चर्च भाई, चर्च से पहले मेरे को पूरा ये घूमना है यहाँ से, तो बड़ा ही केयरफुली पूरा राइड करना पड़ेगा। लेट्स सी, वाओ कैसे गेड़ियां मार रहे हैं सारे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन किधर क्या घुमा रहा है, अलग ही लेवल। सारी की सारी गाड़ियां ट्रैफिक में टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। ये देखो भाई साहब वियतनाम का साइकिलिंग करना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बट ठीक है, लुक द ट्रैफिक ऑफ वियतनाम का ट्रैफिक देख लो भाई। ओ ये भाई ये चर्च आ गई, मेरे ख्याल से तो बंद हो गया, इसका टाइमिंग खत्म हो गया, बट फिर भी मैं आ ही गए एक बार देखने के लिए, पता निकल आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, बाहर से फोटो वाटो खींच लेंगे, देख लेते हैं एक बार। सो भाई वो वक्त के अनुसार जो चर्च है ये 5 बजे तक खुली रहती है, 5 बजे के बाद बंद कर देते हैं, सुबह 7 बजे खुल जाती है। तो कल हम यहाँ ट्रैवल करेंगे इस चर्च को, 1886 के अंदर जो फ्रेंच मिशनरीज थे उन्होंने बनाई थी, और अंदर जाके यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है। तो अपन जब कल यहाँ से निकलेंगे उस टाइम यहाँ गेड़ी मार के निकल जाएंगे यहाँ से टर्न लेके, बाकी अब चलते हैं अगले मंदिर में, कहीं मंदिर ना बंद हो जाए, लेट्स गो। तो मेरे भाइयों चर्च के बाद अपन आगे चुआ लॉन्गसोन जो पगोड़ा है जहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा है जो यहाँ का बहुत पॉपुलर है नाहा तरंग का, तो वहीं चलते हैं। अपन ने अपनी लीलन वहाँ खड़ी कर दी है, और उसके बाद अब यहाँ से हम एंटर करने जा रहे हैं इस बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर। ये एक पगोड़ा है यानी लॉन्गसोन पगोड़ा, जो कि सामने आपको दिख रहे हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक महात्मा बुद्ध जी का कॉन्क्रीट का बना हुआ व्हाइट कलर का बुद्धा नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बेल टावर है
और भी काफ़ी सारी चीज़ हैं। ये बनाया गया था 1886 में, और उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम जो फ्रेंच जो आर्मी थी, सोल्जर्स थे, वो रहे। उसके बाद इसको काफ़ी लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, फिर वापस बनाया गया। तो इसकी कुछ हिस्ट्री रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगह है नहा तरंग में, जो कि समुद्र के किनारे है और बड़ी सुंदर जगह। चलो इसकी हिस्ट्री थोड़ी और देख लेते हैं। यहाँ लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, सामने जो आपको नज़र आ रहा है महायाना जो बुद्धिज़्म है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ मंदिर है। यानी आपको मेरी पिछली वीडियो से पता चला होगा थेरेवाड़ा और जो महायाना जो क्या डिफरेंस है दोनों बुद्धिस्ट रिलीजन में। रिलीजन सेम है, आई मीन बुद्धिज़्म में जो वियतनाम के लोग फॉलो करते हैं वैसे बनाया गया है। तो अब अपन लोगों को ऊपर की तरफ चलना है। अंदर घुसते ही दोस्तों बहुत ही बड़ी मूर्ति नज़र आ रही होगी आपको, महात्मा बुद्ध जी की। तो दोस्तों यहाँ पर यह तस्वीर मैंने देखी थी गूगल पर, रिक्लाइनिंग बुद्धा जी की तस्वीर है। नमो बुद्धे, बुद्धा जी को प्रणाम, और अब ऊपर चलते हैं। जब हम जो व्हाइट बुद्धा वहाँ तक पहुँचने से पहले बीच में आपको गैलरीज बनी हुई है, जैसे कि रिक्लाइनिंग बुद्धा थे, उसके बाद में यहाँ पर एक ये बेल बनी हुई है। तो महायाना के अंदर जब पूजा करते हैं लोग तो यहाँ पर आकर इसको बजाते हैं, एक बड़ा सा पीछे लकड़ी का वो लगा रहता है। तो ये यहाँ पर बना हुआ है बहुत सुंदर, और ये यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनकी ड्रेसेस हैं जो यहाँ पहनती हैं, तो दिखने में अपनी जैसी होती हैं कुछ, बट काफ़ी सुंदर है। और ये देखो यहाँ से आपको नहा तरंग का थोड़ा नज़ारा दिख रहा होगा, बड़े बड़े पहाड़ और उन पर खूबसूरत बादल। वाह, हेलो, हाय, योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, योर ड्रेस नाइस, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। भाई ऊपर पहुँचते आवाज़ जो फील हो रही है ना वो अलग ही लेवल की है, बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी हवा चल रही है, नीचे से तो गर्मी लगने लगी थी ऊपर आते आते। और ये भाई यहाँ से ऊपर चढ़ते ही सामने महात्मा बुद्ध जी की बहुत ही बड़ी सुंदर स्टेचू है, जो वाइट कलर की है लेकिन लाइटिंग होने की वजह से थोड़ी थोड़ी सी ऑरेंज दिख रही है, खूबसूरत है। देखो भाई बहुत ही बड़ी विशालकाय मूर्ति है यहाँ पर, बहुत ही बड़ी, ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बीच में ये लोटस फ्लावर है उसमें बैठे हुए हैं। अब हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कहूँगा, वो है हिंदू मंदिर जो भगवान शिव जी का मंदिर है। मैंने गूगल पे तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा था, तो वहाँ चलना है अभी अपने, वो थोड़ा सा दूर है। और ये देखो भाई इस पूरे शहर का नज़ारा नहा तरंग का, कितनी सुंदर बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, और सामने समुद्र नज़र आ रहा है और आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। वेट वेट वेट, जाने से पहले मुझे पीछे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, यानी इस पूरी मूर्ति के नीचे यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और अंदर भाई साहब महात्मा बुद्ध जी की और मूर्तियाँ लोग प्रे कर रहे हैं, तो शांत रहना पड़ेगा। नीचे आते आते अंधेरा हो गया, और देखिए कितनी सुंदर लाइट्स इन्होंने ओपन कर दी हैं। तो भाई मैं अब मंदिर तो शायद मेरे ख्याल से कल सुबह ही जा पाऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मैं रियून नहीं करना चाहता भाई मंदिर में जाना, क्योंकि उसको मैं अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हर कोई जगह एक्सप्लोर करता हूँ लेकिन दिन दिन में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत टेम्पल था, मैं ऊपर तक जा गया, पगोड़ा है बहुत बड़ा, और यहाँ देखो लाइटिंग वगैरह हो गई है, सारी न्यू ईयर की डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने, जो अभी इनका लूनार न्यू ईयर होने वाला, जिस किसी से बात करो सब बात करते हैं न्यू ईयर की। तो ये सामने ऊपर लाइट्स वगैरह जला दी, और स्वास्तिक देखो कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से। तो ये भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस मंदिर का। और अब हमारी जो लीलन है उसको उठाता हूं और निकलता हूं। दोस्तों सुबह के 7 बज गए हैं, और मैं अभी किचन से पानी वानी भर लिया है और राइड स्टार्ट करने वाला हूं। इस टूर की अभी तक की सबसे जल्दी यात्रा मैं 7:11 के आसपास स्टार्ट करने वाला हूं, और अभी बारिश नहीं हो रही, थैंक गॉड, नहीं मुझे लग रहा था बारिश हो रही है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं लगभग 130 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए, और वो भी स्टीप चढ़ाई माउंटेंस के अंदर। तो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम हमारी राइड स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं फटाफट रेडी हो गया हूँ, लीलन को पूरा तैयार कर दिया है, सामान पैक कर लिया, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके, हे, ओके, बाय बाय, बाय, थैंक यू सो मच, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। सो सुबह के 7:30 हो गए, और भाई मैं यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, और इन होस्ट के साथ रुका था, थैंक यू सो मच, बाय बाय मैम, बाय बाय। फाइनली हाईवे पर आ गए हैं, और ये कल वही जगह है रात को जो बहुत सुंदर सजी धजी थी, जहाँ से हम साइकिलिंग करके जा रहे थे, एक मार्केट दिखाया था, और ये खूबसूरत सी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। बाकी आज काफ़ी सुनहरी धूप निकली है, तो दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। वाओ, यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं भाई वर्कआउट के लिए, मैं देख रहा हूँ सब लोग साइकिलिंग, रनिंग, बैडमिंटन, सारे गेम्स खेल रहे हैं बीच के सारे सारे। और ये देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सेम आपको होचिमिन सिटी जैसी बिल्डिंग नज़र आ रही है, गवर्नमेंट ऑफिस होगा, देखकर ऐसे लग रहा है फ्रेंच लोगों ने बनवाई थी ये, जिस हिसाब से कलर वगैरह है। और वेलकम टू नहा तरंग, ये वही बिल्डिंग है कल वाली, कितनी सुंदर लग रही है। अभी अभी धूप निकली है, पहले बारिश का सा मौसम था और अचानक तेज़ धूप। मैं जा रहा हूँ भाई एक मंदिर जो कि पोनगर के नाम से है, पोनगर टेम्पल,
और वो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है, यानी मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मिलने वाला है। और दिन में भी नज़ारा देख लीजिए आप कैसा दिखता है। बीच पर अभी भी लहरें बहुत तेज हैं, यानी साइड में ज़्यादा ही तेज़ है, बाकी बीच में सर्कल बहुत सुंदर लग रहा है, कितना फूलों वूलों सजा रखा है। दोस्तों कभी धूप कभी छाँव तो मज़ा आ रहा है, मौसम काफ़ी ठीक है आज, टचवुड ऐसा ही रहे। और यहाँ देखिए समुद्र की लहरें कितनी तेज़ हैं, मुझे ये ब्रिज पार करना है और सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पर। तो भाई मंदिर के दर्शन हो गए हैं, लेकिन वहाँ पहुँच कर भी देखते हैं और चलते हैं वहीं पर। ये ब्रिज हमें पार करना, फिर हम सीधा मंदिर के पास होंगे। ये कुछ नज़ारा है, नहा तरंग से हम थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, तो मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन हाँ हाँ खिल खुल गया टिकट काउंटर, तो टिकट खरीदने फिर अंदर चलते हैं वहाँ पर। क्यों लीलन को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फ़ोन निकालना भूल गया था भाई साहब, ये क्या कर रहा हूँ गलतियाँ मैं, वो तो अचानक मैंने हिस्ट्री पढ़ने के लिए निकाल लिया। चलो चलते हैं, टिकट वगैरह भी ले लिए यहाँ से बाइक पार्किंग की, अब चलते हैं। अरे मुझे अच्छा लगा यार ये काम, क्योंकि क्यों कागज़ ख़राब करना बेफालतू में। तो यहाँ से 30,000 VND यानी वियतनामीज डोंग की टिकट मिली है, हमें एंट्री करनी है। और ओके सो भाई एंट्री हो गई, कुछ यूनिक एंट्री है देखो यहाँ पे, बस कार्ड डालो ना अंदर आ जाओगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगी कि भाई कागज़ ख़राब नहीं कर रहे, बस एंट्री होगी उसके बाद क्या करना, टिकट लोग फेंक ही देते हैं। सो भाई ये आ गया मंदिर के अंदर, एंटर हो गए। और ये मैंने अभी गूगल पर पढ़ा 781 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, और मेनली ये दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग दूसरे नाम से जानते हैं इस देवी को, और ये पोन नगर टेम्पल है। तो मेरे पीछे जो आपको मंदिर नज़र आ रहा है, ये एक चाम मंदिर है, और यहाँ पर एक देवी है, यानी बौद्ध धर्म की देवी, यानी हिंदू भाषा में बात की जाए तो दुर्गा देवी का मंदिर था। इस मंदिर का काम 781 ईस्वी में पूरा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिसके अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर जावा लोग थे, जो कि सब से भी भयानक भोजन करते हैं, काले दुबले पतले होते हैं। उन लोगों ने अटैक करके यहाँ से जो मंदिर था उसको खंडित कर दिया। यहाँ पर एक सोने की मूर्ति रखी गई भगवान विष्णु जी की, उसको भी विदेशी आक्रमणकारियों ने चुरा लिया। और अब आप देखोगे तो वहाँ पर सामने एक दुर्गा माँ की मूर्ति नज़र आ रही है एंट्रेंस पर, तो हम अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, और ये मेन जगह है फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। यहाँ से नज़ारा देखो नहा तरंग का बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, और हम उस ब्रिज से आए थे अगले वाले से, इससे नहीं उससे पीछे वाले से। अब मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ मंदिर में, मंदिर के मेन हिस्से में आ गया हूँ, और देखकर तो बहुत ही बड़ा मंदिर लग रहा है। तो सबसे पहले भाई यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मंदिर के अंदर चलेंगे तो भगवान जी का टेंपल है, लेकिन लोग जूते पहन के अंदर गए हैं, ये गलत चीज़ है। ओह शिवलिंग का दोस्तों अंदर भगवान शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, और शायद इन लोगों को पता नहीं था कि भाई जूते निकाल के जाते हैं, जूते पहन के अंदर चला गया था भाई जो बैठा हुआ था। यहाँ लिखा भी हुआ साफ साफ सीधी भाषा में, शॉर्ट्स पहनना और ये सब करना मना है। एक बार तो मैं बोलना चाहता था उसको, फिर मगर चलो ठीक है यार, उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी काफ़ी देर तक, और फिर वही रहेगा, भगवान उसे माफ़ करे। भाई वहाँ शिव मंदिर के बाद यहाँ भी एक और शिव मंदिर है, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो मैं इसमें भी अब दर्शन करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों मंदिर के अंदर आ गया हूँ, दूसरा मंदिर है ये भी, बहुत प्यारा सा शिवलिंग, और सामने भी कोई एक और मूर्ति नज़र आ रही होगी आपको, शायद शिवलिंग ही है वो भी। और यहाँ अंदर का दृश्य ऊपर से बहुत ही जो भारत में बने हुए मंदिर है वैसा ही कुछ है, काफ़ी सुंदर। और मैं इस मंदिर को कहूँगा कि जो शेप है वो अपने जो इंडिया में जो उत्तराखंड में मंदिर है वैसा ही कुछ मंदिर है देखने में। मंदिर के सामने के हिस्से में देखेंगे तो आप वहाँ पर दुर्गा माँ की एक मूर्ति नज़र आ रही है, और शायद एक वीणा हाथ में ले रखी है। तो यहाँ से मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ पर जो वियतनामीज़ लोग हैं उनका भी एक बहुत ही ज़्यादा मानना है इस मंदिर को, जो कि यहाँ पर मैंने देखा सब लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और ये यहाँ का जो मेन पॉपुलर जगह अट्रैक्शन है नहा तरंग का वो है, हालांकि यहाँ बाकी बीच वगैरह हैं, टूरिस्ट आप देख सकते हैं कितने सारे हैं वहाँ पर। और यहाँ हम पहले उस जगह पर थे जो आप देख रहे हो यहाँ पर। तो भाई दर्शन करके बाहर आ गए, अंदर तो फोटोग्राफ वगैरह मैंने नहीं क्लिक की, वैसे तो कोई मना नहीं कर रहा था। और ये देवी का मंदिर है भाई अंदर से, जो अपने दुर्गा माँ है उनका कह सकते हैं, मैंने गूगल पर जैसे देखा वहाँ से मुझे पता चला। और ये जो देवी है ये वियतनाम में किसी दूसरे नाम से जाने जाती हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा और यहाँ का मेन हिंदू मंदिर है। अगर वो बुद्ध धर्म के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भगवती और हरिति जो देवी हैं, जो बौद्ध महायान बौद्धिस्ट देवी हैं, उनका मंदिर बताया जाता है। लेकिन अगर आप गूगल पर देखोगे तो ये हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का है। विच प्लेस इन चाइना? 中国的哪里是吗？哦，这是。猜到哪里呀？猜到高丽的啊！这儿。Yes，啊，这些白 Chinese 人，就是China人。Thank you so much. Nice to meet you. Okay, bye bye. Nice to meet you. Okay.
मंदिर के पीछे के हिस्से में आएंगे तो आपको एक यहाँ पर ये मूर्ति दिखाई देगी। ये भी देवी की मूर्ति है जो कि उबदरियों ने डैमेज कर 8:38 हो गए। जब यहाँ पर आया तो कोई नहीं था और अब इतने सारे यहाँ पर चाइनीज और कोरियन जो टूरिस्ट हैं वो पहुँच गए हैं। ऐसा लग रहा प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। तो भाई मैं यहाँ से अब अपनी राइड है वो आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहाड़ों में जाना है, 8:38 हो गए हैं तो मुझे आगे बढ़ना होगा। आपको इस मंदिर से बाहर निकलने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के मंदिर की आप पुरानी सीढ़ियों को देखिए। इन सीढ़ियों से आप जानेंगे कि पहले जो रास्ता होता था वो इतनी छोटी सीढ़ियाँ होती थी कि लोग चढ़ते भी ऊपर देखकर थे, उतरते भी ऊपर देख के थे। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी बंदा पीठ नहीं दिखा सकता भगवान को, इसलिए छोटी 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 सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पर जितने भी मंदिर देखोगे आप पुराने मंदिर, उनमें ऐसी ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं ताकि आप जिस डायरेक्शन में चढ़ रहे हो वैसे ही आप वापस नीचे उतर रहे हो। ऐसे सीधे नहीं उतर सकते, पीठ नहीं कर सकते भगवान की तरफ। ये देख लो भाई मित्रों, 120 किलोमीटर का सफ़र रहा है और अब मैं यहाँ से राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले कुछ किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और देखते हैं आज क्या रहता है, कैसा दिन रहता है। चलिए बढ़ते हैं। बाय बाय टू हिंदू टेम्पल एंड सी यू अगेन। ये मार्केट है भाई, हर मंदिर के बाहर जैसे लगता है। तो दोस्तों सिटी से बाहर आ गया हूँ नाहा तरंग से और ये पहला पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हो गया है। आज ऐसे ही पहाड़ चढ़ने हैं बहुत सारे और एक जगह तो ऐसी आएगी कि जहाँ पर साइकिल अलाउ नहीं है टनल के अंदर, तो मुझे लंबा खींच के लेना पड़ेगा बहुत दूर तक, गाड़ियाँ अलाउ हो उसमें। तो वो सबसे टफस्ट एरिया बताया था भैया ने, बोला 30 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो सबसे स्टीप माउंटेंस हैं। तो आज काफ़ी टूर खतरनाक होने वाला है। कैमरा रख लेता हूँ भाई, ज़्यादा जोर आता है हाथ में रखता हूँ तो। सामने ये साइन आ गया मतलब शहर ख़त्म हो गया। अब आगे रोड है और पहाड़ है बस। तो भाई पहले तो मैं इसको चढ़ के आपसे बात करूँगा क्योंकि ऐसे नहीं चलाई जाएगी। सुबह सुबह मिल गया भाई 4 किलोमीटर बाद ही। वियतनाम में पुलिस काफ़ी एक्टिव है भाई, गाड़ियों को बहुत रोकती है हाईवे पर। देखो थोड़ी थोड़ी दूर में आपको दिख जाएंगे। कंबोडिया में इतना सीन नहीं था जितना यहाँ पर है। देखो लेफ्ट साइड में रोक रखी है, ऐसे मुझे रोज़ मिलते हैं और ट्रक वालों को बहुत रुकवाते हैं और कुछ कुछ लोगों को मैंने कल्टी मारते हुए देखा है। रोड पर आ रहे हैं अचानक से पुलिस दिखी, गोल घूम जाते हैं पूरे। दोस्तों वाटर ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन सोच रहा हूँ कि जो सामने घाटी देख रहे हो, घाटी चढ़ने के बाद ही पानी पीऊँगा। पहले उस पहाड़ को चढ़ लेता हूँ, उसके बाद सुकून से उतरते वक्त पानी पीऊँगा। तो पहले 29 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और मैं ब्रेक तो नहीं लेना चाहता था, सोचा कि 30 किलोमीटर पार करने के बाद ही लूँगा। लेकिन भाई यहाँ से बहुत ही सुंदर एक मंदिर दिखाई दिया मुझे, महात्मा बुद्ध जी का। तो चलो दर्शन कर लेते हैं। और ये मोनेस्ट्री टाइप से है पगोड़ा और यहाँ से जो आप नज़ारा देख रहे हो, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। इन कुछ शायद मेरे ख्याल से ये नहर वगैरह है और इस तरफ ये प्यारे प्यारे घर हैं लोगों के। मैं इधर चढ़ कर आया हूँ और आगे मुझे और चढ़ना है, थोड़ा सा आगे पहाड़ दिख रहे हैं आज बहुत बहुत पार करने। बट आई एम सुपर एक्साइटेड, मज़ा आएगा भाई, एक और लेवल अप हो जाएगा आज। और यहाँ से ये नज़ारा भाई। सो अभी फटाफट एक पानी का ब्रेक लिया है, पानी पीने के बाद फिर राइड स्टार्ट करूँगा। 50 किलोमीटर बाद एक खाने का ब्रेक लूँगा। तो आप ये टाउन देख रहे हैं, निन हाओ टाउन है, निन हाओ जो वियतनाम का, और हमें जाना है होय हाओ टाउन। सो ये कुछ डिफरेंट है, वियतनाम के हर एक टाउन में कोई ना कोई तो जल स्रोत ज़रूर है। तो यहाँ देखिए एक नदी प्रवाह होती है, यहाँ पर एक यहाँ के लोग मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं और इसी के किनारे किनारे घर होते हैं मेनली। तो यहाँ पर हर एक छोटे बड़े टाउन में मिल जाएगा। निन हाओ एक बड़ा टाउन है, मेरे लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा, इस तरफ ज़्यादातर घर हैं इनके। हम जो जा रहे हैं वो हाईवे के ऊपर से जा रहे हैं क्योंकि इस टाउन के अंदर जाने का रास्ता फिर थोड़ा कठिन होगा। हवाएं थोड़ी तेज़ हैं अभी इस वक्त, लगभग 89 किलोमीटर का सफ़र और रहा हमारा, अभी काफ़ी लंबा है, अभी थोड़ी देर में पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखिए भाई यहाँ का नज़ारा, रोड्स हूबहू इंडिया जैसी लग रही हैं, ट्रक्स भी कुछ वैसे ही दौड़ रहे हैं, वैसा ही नज़ारा। वैसे थोड़ा सा खाली है, गाड़ियाँ कम है रोड पर। ये देखो दोस्तों एक और मोन्यूमेंट नज़र आ रहा है, 16/7/1930 के बारे में कुछ है यहाँ पर। ये कोई जगह है तो मैं मोन्यूमेंट दिखाने के रुक गया, सामने रेड लाइट हो रखी थी इसलिए। तो ये निन हाओ जो है वो पीछे छूट गया है, अब हम फिर से पहाड़ों में एंटर हो जाएंगे और सफ़र स्टार्ट करेंगे। 2 घंटे 15 मिनट में 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, अब देखते हैं आगे कैसा रहता है। छोटा सा ब्रेक और ले लिया यहाँ, मेरे को नारियल पानी दिख गए, मगर चलो यार नारियल पानी पी लेते हैं। बट कुछ कुछ जगह पर तो बहुत सस्ते हैं भाई, कुछ जगह पर तो 5,000 डोंग में मिल जाते हैं, यानी 15-20 रुपये में। यहाँ पर 15,000 में है तो ठीक है, चलो पीना तो भाई थोड़ा बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। फिर आगे बढ़ूँगा, लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। कम ऑन थैंक यू। सो दोस्तों एक वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया था यहाँ पर, ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लिमेक्स करके, यहाँ पर वियतनाम में काफ़ी पॉपुलर है।
तो मैं सोचा कि मैं पहली बार वियतनाम में किसी पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, नहीं तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहीं पर खाना पीना खाता हूँ, यहाँ जाता है, यहाँ हमारे लेलन है। और यहाँ के मैं वॉशरूम्स दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, पहले तो मुझे लगा कि यार ये क्या सीन बना रखा है इन्होंने, लेकिन ये यहाँ के वॉशरूम है, मतलब ताज्जुब की बात थी। पहले मुझे समझने में टाइम लगा, मुझे लगा यार कोई हाथ वाथ धोने की जगह ना हो, और इधर से बंदा आया तब मुझे पता चला अच्छा हाँ भाई मैं सही जगह पर हूँ। तो ये यहाँ के कुछ वॉशरूम्स हैं और काफ़ी क्लीन है, और नहाने के लिए भी बना रखा भाई, इधर देखो मैं हूँ, और यहाँ पर देखो ये नहाने के लिए भी उन्होंने बना रखा। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा कि आप पेट्रोल पंप पर रुक सकते हो, मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर मिल जाता है। तो चलो देखते हैं आगे, कभी जगह नहीं मिली। ये देखो लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो भाई साहब बड़ी ऊँची ऊँची चोटियाँ बादलों से ढकी हुई, और इस टाउन का कुछ हिस्सा और आगे आएगा, ना तो कोई इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट है, ना कोई इतना भीड़ भड़ाका, एकदम काम एकदम शांत। और यहाँ पर ऐसे ट्रक चलते हैं, देखो देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में, इंडिया में नहीं है ऐसे भाइयों। अब लगाइए भूख बिल्कुल, एनर्जी ख़त्म हो गई है, और एक ये टाउन आया है, लेकिन यहाँ पर मैं पिछले 2 किलोमीटर से देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आया अभी तक खाने के लिए, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, कुछ भी खुला नहीं है। और यहाँ से देखते हैं कितना आगे तक हमें कुछ मिल पाता है। अब वैसे एक और ये टाउन स्टार्ट हो गया है यहाँ से, शायद ये दूसरा नदी पार करते सामने रेड लाइट हो गई है भाई 46 सेकंड की, तो धीरे धीरे चलाते हैं, तब तक हो जाएगी ग्रीन। भाई लोग बीच में धूम्रपान कर रहे हैं। ये भाई इस टाउन का नज़ारा है, और देखो इस जगह का नाम है हुएन वन निन। तो यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे लेफ्ट लेकर पहाड़ों में जाना है, और मुझे पीछे से धूप लग रही है, तो मेरी जो टी शर्ट है थोड़ा सा ग्रे कलर की होने की वजह से मेरी पीठ पर मुझे ऐसे एकदम गर्माहट फील हो रही है। अभी एक खाने का छोटा सा ब्रेक लिया मैंने इस जगह पर, और खाना ठीक था, मतलब कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, चावल थे और फ्राइड वेजिटेबल थी। यहाँ पर कुछ कुछ रेस्टोरेंट प्योर वेज है भाई, कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर महायाना के लोग हैं वो वेजिटेरियन खाते हैं, तो ठीक था, एनर्जी आ गई, बस अभी एक कॉफ़ी की ज़रूरत हो रहा है। तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, देखते हैं कहीं पर पहाड़ चढ़ना बस। फाइनली दोस्तों जो हार्डेस्ट टाइम है वो आ गया है, इस पहाड़ को पार करना। इसमें एक टनल है जिसके थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन साइकिल चलाओ नहीं है तो हमें घूम कर चढ़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ ये रेल की पटरियाँ, मैं पहले नीचे नीचे आ रहा था तो एक भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऊपर से जाओ आप, तो आ गया मैं। और एक भाई ऐसा मिला मेरे को, शायद वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसने मेरे पीछे जो बैग है उसको धक्का दिया भाई, खतरनाक वाला, बाल बाल बचाता नहीं मैं गिर जाता। और कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं थी उस टाइम पर, बट मैं स्लो स्लो जा रहा, उसने इतना तेज़ धक्का दिया अचानक से, फिर देखा मेंटली डिस्टर्ब था, मैं चलो छोड़ो यार कोई नहीं। और अब यहाँ से मुझे चढ़ना भाई आगे की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और कॉफ़ी वॉफ़ी देखते हैं बाद में कहीं पियेंगे। बाकी ये रेल की पटरियाँ मेरे राइट साइड में देख रहे हो, ये यहाँ का बस स्टैंड है भाई, वियतनाम के बस स्टैंड ऐसे होते हैं, लिखा हुआ था बस स्टैंड, और वैसे तो ये सारी इनकी लैंग्वेज में, लेकिन एक जगह इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो ये ऐसी टाइप के बस स्टॉप्स होते हैं यहाँ पर। अब ये नहीं पता प्राइवेट है गवर्नमेंट है, देखकर तो प्राइवेट सा ही लग रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट भी हो। अगर हम हानोई की बात करें तो हानोई में अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं हानोई की तरफ जाऊँगा धीरे 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 टेम्परेचर गिरता जाएगा और सर्दी बढ़ती जाएगी, बट मज़ा आ रहा है। काफ़ी सुंदर राइस फील्ड्स, बड़े बड़े पहाड़ और तेज़ हवा। इस हवा की अभी मुझे आदत हो गई है साइकिलिंग कर करके, ये फैमिलियर हो गई है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि यार थोड़ा ट्रक वाले ज़्यादा स्ट्रगल है, बट मज़ा भी ज़्यादा आता है इसमें। तो भाई सामने बोर्ड पर आप देख रहे हो कि पैदल जाना, साइकिल से और बाइक कुछ भी अलाउ नहीं है, यानी इससे आगे भाई थोड़ा सा आगे से टनल आ जाएगी 1 किलोमीटर बाद, साइकिल वालों को इस तरफ जाना होगा। ये देखो भाई ऊपर जो आपको ब्रिज सा दिख रहा है जिस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर इस पर जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से बढ़ना भाई अपने को पहाड़ के सारे सारे, चढ़ाई स्टार्ट अब होती है। अब भाई इस रास्ते पर कम ही ट्रक वगैरह मिलेंगे, मिलेंगे तो ज़रूर लेकिन कम मिलेंगे। और ये सामने 2 टनल आ गई है जाने की, इधर से आने की, इंडिया से उल्टा ना कि इधर से उधर वाला सिस्टम। बाकी इस टनल का नाम है कोमा टनल, हाम कोमा। तो भाई इस टनल में अगर हम घुसते तो समझ लो कुछ इस मिनट के अंदर इसके उस पहाड़ के उस पार निकल जाते हैं। अब इस पहाड़ को हमें घूम के ऐसे 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 करते हुए इसके पीछे ही आना है। हमारे मैप भाई साहब के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक है, और फिर इन पहाड़ों को चढ़ते 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 देख लो भाई, ये देखो गेड़ियाँ कैसी मारनी है, देखो पूरा अपना हिमाचल वाला ही सीन है पूरा। तो ये भाई बहुत लंबा टूर पार करना है, नहीं तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना था बस। चलो कोई नहीं, जो होता है लाइफ के अंदर अच्छा होता है, मैंने ये चीज़ महसूस की है हर यात्राओं पर, तो ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। चलो भाई चलते हैं, अब ये समुद्र का नज़ारा देख लेंगे थोड़ा, इसमें और अच्छी चीज़ और क्या होगी, इसमें अंधेरे अंधेरे में जाएंगे, इससे अच्छा है कि समुद्र का नज़ारा देखते हुए अच्छी फ्रेश एयर के मज़े लेते हुए जाएंगे।
बाकी पानी की प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ और फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। बाबा की दया है। टनल छोड़ने के बाद जिस रास्ते पर आए हो थोड़ा कठिन तो है, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखने के बाद सारी कठिनाई आप भूल जाओगे। और ये देखिए क्या खूबसूरत समुद्र है यार, ये रियल आंखों से देखने पर पता चलेगा कि है क्या ये। ये जन्नत है जहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, एकदम खाली बीच पड़े हैं, सब कुछ एकदम खूबसूरत, बहुत ही सुंदर भाई। ये देखो सामने एक टाउन आ रहा है, उस टाउन का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उसी टाउन के पीछे से होकर वो पहाड़ चढ़ना, मुझे गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही है वो देखो वहाँ पर उस लाइन के ऊपर, और फिर इस पहाड़ के ऊपर घूमते ऊपर टावर्स दिख रहे हैं, उधर से पता नहीं किधर से जाना है, लेकिन ये बहुत सुंदर दृश्य है यार, बहुत खूबसूरत भाई साहब। इतनी सुंदर जगह आ रही है, जो आप लेफ्ट साइड में घर देख रहे हो ये वियतनामीज लोगों के घर हैं, और उसके उस तरफ हाईवे है जो मेन हाईवे जो टनल वाला था, और इसके इस तरफ जो झंडों के पीछे ट्रेन की पटरियां हैं। क्या जगह है यार, एकदम खूबसूरत, वो हिमाचल वाला फील आ गया। और जैसे ही उस घाटी को पार किया है यहाँ छाया और पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ बारिश हुई है रात को और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। 15 मीटर लेफ्ट में दिखा रखा है यहाँ पर रेलवे स्टेशन, तो शायद ये सामने रेलवे स्टेशन भी है छोटा सा, ट्रेन वगैरह रुकती होगी यहाँ पर। वाव क्या जगह है यार वियतनाम, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों जिस चढ़ाई की मैं बात कर रहा था, स्टीप चढ़ाई की, वो ये है, और मेरे पीछे देखिए कहाँ से चढ़ते हुए आ रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुबह से इसकी बात कर रहा था मैं कि सिंगल रोड स्ट्रेट हाईवे और बहुत हाइट, स्टीप चढ़ाई बहुत ज़्यादा। उन भैया ने बताया था कि 30 किलोमीटर की हाइट है जिस पर आपको चढ़ते ही चढ़ते जाना है बस, और लास्ट के 10 किलोमीटर उतरने को मिलेगा मेरे ख्याल से, आप प्लेन आ जाएगा, क्योंकि जो जहाँ जा रहा हूँ वो बहुत इन पहाड़ों के पीछे बहुत पहाड़ चढ़ते हैं। तो भाई साहब पैडल मार रहा हूँ कंटिन्यूसली, अब भाई कैमरा रखता हूँ यार क्योंकि नहीं हो पा रहा, और लैंडस्लाइड एरिया भी देखो इंडिकेशन लगा रखे हैं यहाँ पर, दिख रहे होंगे। चढ़ते जाना है भाई, चढ़ते जाना है, ये देखो ये पटरियाँ देखो भाई, इधर समुद्र का रास्ता और ट्रेन यहाँ से गुजरती है, ट्रेल का स्टेशन है छोटा सा। वाह है तो खूबसूरत, बट चलते रहेंगे। देखो भाई कुत्ते कितने भयानक हैं, बाल बाल छोटा खा जाते हैं, अभी तो अचानक अटैक किया है। अरे डट जा भाई, ये कुत्ता डॉग को इंसान नहीं लग रहा क्या भाई? उठा लो क्या इसको भाई, उठ के मारने का मान जाएगा। कम ऑन, मौसम खो दिया यार, इस पहाड़ पे चढ़ रहा था, बड़ी मुश्किल से तो हाइट पर लठ गाड़ी के चढ़ा था। वो देखो भाई सामने नजर आ रहा है आपको, कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं, ओए होए हवाएं बहुत ठंडी है, बस बाकी सब ठीक है भाई। आपको ट्रेन नजर आ रही है वहां पर, दिख रही है आपको भाई साहब? इतना सही लग रहा है, देखो ट्रेन इस समुद्र के किनारे किनारे जा रही है, वाह ये बहुत अच्छा था मेरे लिए यार, उधर पीछे बहुत अच्छा नज़ारा था लेकिन मैं रोक नहीं पाया। वाह सारे 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 पटरियाँ भाई इसके अंदर, वो देखो सामने वहाँ एक बार और नज़र आ रही होगी, ये बहुत सुंदर है यार नज़ारा, वो देखो वहाँ से दिख रही होगी आपको शायद। वाह यार ये बहुत ही खूबसूरत था भाई, पहले 4 किलोमीटर पार हुए, देखो पीछे चढ़ाई, अभी तो बहुत चढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मैंने नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन साइकिल से पार किया था, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी चीज़ के, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये बहुत खड़ी चढ़ाई है, वो हाईवे थे वो भी खड़े थे, बट ये भी खतरनाक है भाई साहब। देखो पीछे नज़ारे, ये देखो, और इस तरफ देखो भाई कितनी सारी बोट्स हैं पानी के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन ने डेरा डाल रखा हो। सामने वहाँ पर आपको एक घर नज़र आ रहा है छोटा सा, गवर्नमेंट सा लग रहा है, वहाँ देखो ट्रक दिख रहा है, ये पहाड़ पार करके मुझे वहाँ चढ़ना है उससे भी आगे, और ये देखो भाई यहाँ से चारों तरफ ये बोट से मछुआरों के मेरे ख्याल से, बाकी तो पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, बट स्टिल चढ़ते जाना भाई। भाई पहले 5 किलोमीटर कम्प्लीट हुए हैं, 35 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है, बहुत हाइट है यार, बहुत स्टीफ है, क्या मैं कर पाऊँगा आज, बहुत थक गया हूँ यार, बहुत बहुत चढ़ते जाना है। सो कि हमें करना है, लेकिन हमें पहुंचना है। वो देखो ट्रक दिख रहा है आपको वहाँ पर,
अब आगे पता नहीं कितना चढ़ रहा है। बाकी यहाँ से नज़ारा देखो, सारी बोट्स पानी के अंदर है। यहाँ POVIL करके पता नहीं मेरे ख्याल से पेट्रोलियम वगैरह का सीन होगा। दोस्तों पूरा पसीना पसीना होने की वजह से अब ठंड लगने लग गई, और ऊपर देखो बादल उतरे हुए पहाड़ के ऊपर, तो और ज़्यादा हल्का हल्का ठंडा एरिया आ गया है। क्योंकि जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो वैसे ठंड बढ़ती जाती है। पीछे देखो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा फोग जैसा था, तो ये आ रखा है। बाकी अब यहाँ से मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ देख रहे हो ट्रक वगैरह, तो अब अपने को नीचे जाना, फिर शायद मेरे ख्याल से ऊपर चढ़ना होगा। तो चलो चलो भाई, अभी मैं जहाँ साइकिलिंग कर रहा हूँ एक गाँव जैसा ही है, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि चूल्हे पर खाना बना रहे थे एक दो घर में। एक आंटियाँ चूल्हे पर आग जला रखी थी, तो बड़ा अच्छा लगा देख करके भाई, यहाँ भी ये कल्चर है। हालांकि कल्चर तो सारी दुनिया में होगा, पहले गैस नहीं था। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, खैर छोड़ो। मुझे अचानक से एक बात याद आ गई कि मैंने सुना है कि कभी कभी जिन पैदा हो जाता है, और अगर आज जिन पैदा हो जाए, और मुझे पहले देखो ये ट्रेन की पटरियाँ ऐसी हैं भाई, यहाँ पर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है राइस फील्ड के अंदर से। तो हाँ, मैं जिन की बात कर रहा था, और जिन मुझसे पूछे कि बोल वत्स क्या खाना खाना चाहेगा आज तू, तो भाई मेरे मुँह से सबसे पहले तो एक चीज़ निकलेगी, चूरमा भाई। इतनी याद आ रखी है मेरे को चूरमे की, ओए होए होए क्या घर पे चूरमा बनता है यार, एकदम घी में, ओ देसी घी में, मेरा पूरी थकान उतर जाए भाई साहब। और आजकल तो बाजरे का चूरमा भी बन रहा होगा, जाड्डे का टाइम है भाई, यही नहीं है सर्दी अपने तो खूब है। और उसके अलावा भाई साहब दूसरी चीज़ वो मिले वो भाई साहब 1 किलो दूध बढ़िया सा, अदरक उदरक डाल के, हल्दी डाल के, और शाम को पीने के लिए दे दे एकदम गरम गरम सा, ओए होए स्वाद आ जाए भाई साहब। मेरी दो ही फरमाइश रहेगी, जीना रह गए, इतनी हवा तेज कैसे चलने लगी अचानक से भाई साहब, भूख इतनी लगाई कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बिस्किट्स रखी हैं, कुछ ब्रेड्स रखी हैं, वो खाऊंगा अभी। और 24 किलोमीटर का सफ़र रहा है, चला ही ना, ऐसा लग रहा है कि बस यार कुछ खा लूँ। चूरमे की बात कर रहा था, चूरमा हो गया मेरे माइंड में, अब मेरे को बिस्किट को चूरमा समझ के खाना पड़ेगा। खाता हूँ यार, उसके बाद राइड स्टार्ट करूँगा, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पर। बस दोस्तों निहान तुहान में जो माता जी थी, उन्होंने मेरे को ब्रेड्स वगैरह दी थी और मेरे बैग में रखी थी, मुझे पता नहीं था यार। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि भाई मैंने ब्रेड का ऊपर से खोलना भी मुनासिब नहीं समझा कि भाई कौन मेहनत करेगा इसको खोलने में, यहीं से पहाड़ डाला मैंने। भयानक भूख लगी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे को अब खाना चाहिए, नहीं मैं सर्वाइव कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने दोपहर में भी ढंग से नहीं खाया था, और इतनी मेहनत के बाद मैं अब ठीक लग रहा है मेरे को। मैंने 2-3 ब्रेड खाई और एक पैकेट बिस्किट खा लिया, दूध रखा मेरे पास, दूध पीऊँगा। अभी याद आया, मुझे मॉन्क ने दिया था जब मैं वियतनाम में पहले दिन घुसा था, तब 10-12 दिन हो गए। हालांकि वो अच्छा दूध है, वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला फ्लेवर्ड मिल्क है, तो वो ख़राब नहीं होगा, लगभग 5-6 महीने तक का टाइम था। तो वो पीऊँगा अभी और ये खा लेता हूँ, फिर मैं राइड स्टार्ट करूँगा। तो भाई ये दूध का पैकेट था, क्या लिखा हुआ, DALAT मिल्क, डेलाट मिल्क ऐसे कुछ करके, और ये एक्सपायर होगा भाई 27/2/2024 को, और ये बनाया गया था 27/8/2023 को। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पी सकता हूँ मैं, चारों पीऊँगा अभी, चारों के चारों। बहुत भयानक भूख लगी है, 180 ml का एक है, तो ये देख लो कितना हो गया, 720 ml हो गया, ठीक है चलेगा, तब जाके एनर्जी आएगी अगले 27 किलोमीटर के लिए। लो भाइयों ख़त्म कर दिया सारा सिस्टम, बस एक लास्ट बचा है, एक स्ट्रो से सारी की सारी पी पा गया मैं यार, ख़त्म करता हूँ माहौल। ओ भाई साहब मेरा डिनर सा हो गया, मज़ा आ गया। और ये सारे के सारे मेरे बैग में रख रहा हूँ, कभी भी मैं रोड्स पर नहीं फेंकता ऐसे ही कि बाहर फेंक दो, डस्टबिन में डालूंगा ले जाकर। दोस्तों सर्दी बढ़ गई है, इसलिए मुझे ये जैकेट पहननी पड़ेगी, विंड शीटर टाइप से है हल्का हल्का, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है, और इस टूर पर पहली बार मैं ठंड फील कर रहा हूँ, अभी तक ठंड फील नहीं की थी मैंने, काफ़ी तेज़ ठंड हवाई, मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए इसलिए मैं पहन कर अभी आगे राइड स्टार्ट करूँगा। हालांकि मुझे गर्मी लगने वाली थोड़ी देर में, बट इट्स ओके। और ये यहाँ पर कुछ सिटी का नज़ारा भाई, ट्रक देखो कितनी स्पीड में चल रहे हैं यहाँ पर, ओ भाई साहब। बट यहाँ से मुझे कुछ आगे 20 किलोमीटर का सफ़र और करना है इसी हाईवे पर, फिर मैं मेरे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा। लकीली मेरे पास स्टे है आज, मेरे लिए किसी ने होम स्टे बुक किया है, जो मेरे वियतनामीज दोस्त हैं उन्होंने, तो वहाँ मैं स्टे कर पाऊँगा, वहीं जाकर मैं अब आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी भी राइड कर रहा हूँ और एक फ्लाई ओवर पर हूँ, लास्ट 3 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है, सामने शहर नज़र आने लग गया है, और इस तरफ देखिए समुद्र, बहुत तेज़ हवाएं और चंदा मामा दिख रहे हैं यहाँ से। आज का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया भाई, बहुत लंबा, स्टिल राइडिंग, टायर्ड, और सामने नज़र आ रहा है भाई शहर। चलो 130 किलोमीटर के सफ़र के बाद इस शहर में पहुँचा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार, एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाए।
और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़। और ये कुछ नज़ारा आ रखा भाई सिटी का, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, बट लास्ट 1.3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है। शहर तो सुंदर दिख रहा है, इसका नाम मैं भूल गया, सुबह बताया था वही नाम है, क्यों भी हाउ 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 करके कुछ था, ठीक है जो भी है। बट 350 मीटर बाद राइट लेकर आज मैं रुकने वाला हूँ एक होम स्टे में जो हमारे लिए किसी ने बुक किया था। और ये देखो भाई नज़ारे, बड़ी वेल डेवलप्ड सिटी लग रही है। VMRT भी यहाँ पर देखो, कल मारेंगे गेड़ियाँ यहाँ पर। कल आपको पूरा शहर दिखाऊंगा अगले वीडियो में, क्या क्या यहाँ पर बीच बीच पे चलेंगे, थोड़ा मज़ा करेंगे। और ये थोड़ा नज़ारा यहाँ का, स्टिल मुझे मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया आज की राइड। और जब आप अपने कम्फर्ट से बाहर निकलते हो तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है और आपको मज़ा आता है। तो आज की रात मेरे लिए प्राउड की रात होगी, हो सकता है और बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हो 130 किलोमीटर पहाड़ों में, बट मेरे लिए तो काफ़ी थकान भरा था, मज़ा आया। बट जेरी, यस यस, नाउ इज हाउस, ओके थैंक यू। तो पूरा 130 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ ये नाउज होम स्टे करके यहाँ पर, तो काफ़ी सुंदर, आप देख सकते हैं ऊपर रूफ टॉप भी बता रहे थे। तो आज रात को हम यहाँ स्टे करने वाले हैं और यहाँ हमारी लेलन है एज़ यूजुअल। ये कुछ एंट्रेंस है जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो फाइनली पहुँच गए हैं और मैं जब भी पहुँचता हूँ तो सबसे पहला काम होता है जो अपना वर्कआउट है, थोड़ा स्ट्रेचिंग ज़रूर करता हूँ मैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह कम्प्लीट की है अभी और अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। सो यस, लेट्स सी क्या होता है, क्या प्लान है। अभी नहाऊंगा पहले, तो उसके बाद देखता हूँ आज क्या खाना पीना खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। शहर काफ़ी अच्छा सुंदर है तो बाहर जाऊँगा कुछ खाने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट देखूँगा कोई आजू बाजू में और खाना खाऊँगा। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 7:35 यहाँ पर वियतनाम में, तो इंडिया में लगभग बजे होंगे भाई 6:05। तो ठीक है, बाकी ये बड़ा सुंदर बना रखा, देखो यार पेड़ों के अच्छा डिज़ाइन करके, ये कुछ माहौल है जो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो ठीक है, सो फाइनली भाई बाबा की दया था आज मैं यहाँ रुकने वाला हूँ और एक होचिमिन से जो मैम है उन्होंने हमारे लिए इसका अरेंजमेंट किया है। सो थैंक यू सो मच, काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी अच्छा बेड लग रहा है। ओह नहीं जरीफ, पहले नहाना उसके बाद ही गिरना है, खाना भी खाना है। तो अभी अगर मैं लेट गया तो भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा काफ़ी ज़्यादा। तो भाई मैं सबसे पहला काम यहाँ से नहाता हूँ, कपड़े भिगोता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद यहाँ सोने वाला हूँ और कल मैं उठूँगा एकदम लंबी नींद के बाद, क्योंकि कल भाई उन्होंने मेरे लिए बुक किया 2 दिन के लिए, उन्होंने बिना पूछे बुक कर दिया। बाकी यहाँ मेरे लिए एक होस्ट थे ऑलरेडी, बट कर दिया तो उन्होंने बोला ठीक है भाई तुम लेट पहुँचोगे तो भी चलेगा, बट तुम्हें पहुँचना होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब तो कर दो यार सब्सक्राइब।